फ्रेंड्स, मैं आशुतोष चौधरी, हेल्थ केयर एजुकेशन, आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर एजुकेशन पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा, जनरल कैरेक्टर ऑफ माइकोप्लाज्मा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जनरल कैरेक्टर ऑफ माइकोप्लाज्मा, सबसे सूक्ष्म जीव होते हैं, सबसे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। फ्रांस के वैज्ञानिक इनोकार्ट तथा ईरोक्स 1898 में ब्यूरियो पीन्यूमोनिया से पीड़ित पशु के पार्श्व तरल प्लूरल फ्लूइड में इस जीव की खोज की। इन वैज्ञानिकों ने इन सूक्ष्म जीवों को PPLO कहा उसको। सन 1965 में मुर्गियों का श्वसन रोग माइकोप्लाज्मा जनित बताया। अब देखिए जनरल कैरेक्टर ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के लक्षण देख लेते हैं। यह सूक्ष्मतम एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीव है जो स्वतंत्र रूप से वृद्धि और प्रजनन करते हैं। ये बहुरूपी पॉलीमॉर्फिक होते हैं, अतः इन्हें पादप जगत का जोकर कहा जाता है। दोस्तों, ये पादप जगत का इनको जोकर कहा जाता है, पॉलीमॉर्फिक, क्योंकि इनमें बहुरूपता पाई जाती है। बहुरूपता मतलब ये अपने रूप को चेंज कर सकते हैं। बहुरूपता इसीलिए कहते हैं पादप जगत, इसलिए जोकर। किसे कहा जाता है? प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम इज कॉल्ड माइकोप्लाज्मा। इनको कोशिका रहित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है तथा केवल जीवद्रव्य कला उपस्थित होती है, जो कि 3 स्तरीय होती है। इन्हें वृद्धि के लिए स्टेराल की आवश्यकता होती है। ये कोशिका भित्ति पर क्रिया करने वाले प्रतिजैविक जैसे पेनिसिलिन से प्रभावित नहीं होते हैं, परंतु उपापचय क्रियाओं को प्रभावित करने वाले प्रतिजैविकी टेट्रासाइक्लिन माइकोप्लाज्मा की वृद्धि को रोक देते हैं। इससे क्या हम समझ पा रहे हैं? इस पर पेनिसिलिन का काम कुछ, पेनिसिलिन इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पेनिसिलिन अगर मान लीजिए माइकोप्लाज्मा से कोई ग्रसित है, कोई भी एनिमल, कोई भी प्राणी, कोई भी ग्रसित है इससे, तो उसको अगर हम पेनिसिलिन देते हैं तो पेनिसिलिन इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। पेनिसिलिन इसके लिए क्या देना पड़ता है? टेट्रासाइक्लिन माइकोप्लाज्मा की वृद्धि को ये रोक देते हैं। इसका रिप्रोडक्शन रेट कम कर देंगे जिससे इसकी वृद्धि रुक जाएगी। इनका आकार 100 से 500 nm तक होता है, इसलिए इन्हें जीवाणु फिल्टर, बैक्टीरिया फिल्टर से नहीं छाना जा सकता। दोस्तों, याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया फिल्टर को पार कर जाते हैं, बैक्टीरिया फिल्टर से इन्हें छाना नहीं जा सकता। इनके कोशिका द्रव्य में राइबोसोम पाए जाते हैं। इनमें दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए पाए जाते हैं। याद रखिएगा, फर्स्ट डीएनए एंड सेकंड आरएनए। ये किसी जीवित जंतु या पेड़ पौधे पर आश्रित रहते हैं तथा उनमें तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। कई बार ऐसे जीव मृत कार्बनिक पदार्थों पर मृतोपजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मेरा जनरल कैरेक्टर ऑफ माइकोप्लाज्मा। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ऐसे वीडियो बनाते रहें आप लोगों के लिए। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।